अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पेशेंट वुल्फ। आप देख रहे हैं पेशेंट वुल्फ और मैं हूँ जिशान महमूद। और आज 24 अप्रैल 2023 है, मंडे है, मार्केट्स ओपन हैं, तो जल्दी से गोल्ड का रिव्यू कर देते हैं। और इस रिव्यू से पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमने अपना प्रीवियस रिव्यू किया था गोल्ड का लास्ट वीक में, उसका क्या बना है। अगर हम देखें कि हमने लास्ट जो रिव्यू किया था वो क्या था, तो मैं आपको कंटिन्यूसली मेंशन कर रहा था ग्रुप्स में भी, वीडियोस में भी, हर जगह के भाई जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगी। एक्चुअली ये वाला नहीं, 17th थी जब हमने रिव्यू किया था, या 19th का, 17th लास्ट मंडे का, 17th, यस। तो मैंने कहा था कि ये वाली लाइन ब्रेक करेगा तो नीचे गिर जाएगा गोल्ड। ये ट्रेंड लाइन थी हमारी येलो वाली, और ये अदरवाइज यहाँ से बाउंस होके ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर भी हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक करना इसके लिए ज़रूरी है फर्दर अप जाने के लिए। बट अगर इसको हम प्ले करके देखें तो यहाँ से तो ये बाउंस कर गया था ट्रेंड लाइन से, फिर इसके बाद गोल्ड नीचे आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक की इसने, फिर एक दफ़ा ऊपर गया। ये वाला जो दूसरी दफ़ा ऊपर गया ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हो गया, चला गया। फिर उसके बाद गोल्ड नीचे गिर रहा है। अब अगर इसका हम रिव्यू लेते हैं ना, तो ये 4 आर का ग्राफ है मेरे पास, और अगर हम इसको देखें कि गोल्ड क्या कर रहा है या क्या करना चाह रहा है, तो इसको आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये ब्रेक करके नीचे आ चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये इस सिनेरियो से तो गोल्ड निकल गया है, ठीक है। अब आगे इसने क्या करना है, आगे इसके दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, दो को छोड़ें एक ही करते हैं। पॉसिबल सिनेरियो तो होते हैं कि ये जस्ट फेक ब्रेकआउट दे रहा है और वो वापस ऊपर जाएगी मार्केट, लेकिन उसके कोई मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे। बहुत से लोगों की बाइस जो है वो बाय में थी, और वो मार्केट को जो है लास्ट वीक भी बाय कर रहे थे। ऑब्वियसली यू गाइस वर राइट कि यहाँ से इसका ये बाय ही था, ये वाला, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट का, कि वो मार्केट सेल में कन्वर्ट हो रही है, और मेरी इस बात के ऊपर एक्चुअली आई सॉ सम क्रिटिसिज्म के नहीं, तुमने अपनी बाय सेल के साथ बनाई हुई है, दैट्स वाई यू आर सेइंग इट्स अ सेल मार्केट, इट्स अ सेल मार्केट। मैं यही कह रहा हूँ कि एकोमोडेशन फेज है, यहाँ पे जो है ना प्राइसेस रुकी हुई हैं, आगे कहीं जा नहीं रही। तो अगर ऊपर नहीं जा रही तो प्राइसेस ने किधर जाना है, प्राइसेस नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। मतलब या तो ये इसे ब्रेक करके निकलना होता तो इसने निकल जाना था, इसको मैं हटा देता हूँ, इसने अगर इसको इस फेज को ब्रेक करके निकलना होता तो निकल जाना था, नहीं निकला, नहीं निकला तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि भाई अब ये नीचे आएगा। ये इसका ये वाला जो फेज है ये पिछले 1 महीने से चल रहा है, लास्ट 23rd 24th मार्च ये प्राइसेस थी, तो आज 24th अप्रैल है, तो 1 महीना तो हो गया, 1 महीने से मार्केट यहीं रुकी हुई है और कहीं जा नहीं रही। तो इसको अगर हम देखें, मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसने एक टेस्ट जो है वो इस रेंज को टेस्ट करने आना है, और ये वाली रेंज, ठीक है, ये है 1920-21। मेरी बाय, मैं कह रहा हूँ कि ये 1900 को या 1910 को टेस्ट कर सकता है इस लेवल पे, ठीक है। तो वो भी अभी मेरे ख्याल में कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि ये इधर आएगा। बट अगर हम डे का ग्राफ देखें तो फ्राइडे को ये मार्केट सेल में रही है, उससे प्रीवियसली आप ये आपको ये 4 कैंडल्स नजर आ रही हैं कि मार्केट गिरी है, फिर इसने ऊपर उठने की कोशिश की है, नहीं गई, फिर अगले दिन गिर गई है, फिर उससे अगले दिन थर्सडे को ऊपर उठी है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाई। तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, ये वाला जो लेवल है हमारा, क्या लेवल है ये, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये लेवल, ये जो लेवल है मार्केट 2005 और 10 को, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, जो इसकी आखिर 15 कर लें चलें, इसको अगर ब्रेक नहीं कर पा रही तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बाइंग कैपेसिटी खत्म हो रही है, मार्केट एग्जॉस्ट हो रही है, ठीक है। और ये हम लोग देख रहे हैं डे का ग्राफ, डे के ग्राफ में जब इस तरह से कुछ हैपनिंग होती है तो वो काफी अच्छी खासी होती है। दूसरी है, आपको डेली बेसिस के ऊपर शायद ये डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही कि ये मार्केट जो है यहाँ से अगर मैं इसे पकड़ूँ तो ये एक बड़ी स्ट्रांग डाइवर्जेंस है डे के ऊपर।
ये नजर आ रहा है, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। यहाँ पे अब प्राइस कहाँ है? ऊपर है। हमारा RSI किधर जा रहा है? तो इस लेवल से RSI को पकड़े हैं जरा, ये बेरिश डाइवर्जेंस है, प्राइसेस नीचे आने वाली हैं। तो ये आई डोंट नो कि आप लोगों को इसका आइडिया हो रहा है नहीं हो रहा, आप लोग ये चीज़ें देख रहे हैं या नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ, बट मुझे मार्केट सेल में ही नज़र आ रही है स्टिल इस वीक में भी। और ये हो गया हमारा डे का ग्राफ। अगर हम वीक का देखें कि इसने लास्ट वीक में क्या हमें परफॉर्मेंस दी है, तो भाई लास्ट वीक ये बड़ी कैंडल बनी हुई है सेल की, ये वाली मार्केट सेल रही है लास्ट वीक। और अगर हम इसमें जाएं और देखें कि भाई 24 है और 30 संडे होगा, हाँ ठीक है, इस वीक में ये मंथ भी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1 मंथ में जाएं तो लास्ट मंथ इसने हमें बड़ा ही बड़ी लॉन्ग जो है वो कैंडल दी थी। अच्छा, ये इसने क्या किया हुआ है? ओके, ये जो 1820 का जोन है ना, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा। इधर मार्केट का आना भी मुश्किल है, लेकिन अभी आना मुश्किल है, अगले 2-4 महीनों में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 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 अभी ये जो मंथ की कैंडल बन रही है, ये आपको नजर आई है कितनी मजे की कैंडल बन रही है? अब ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मार्केट बेरिश है बेरिश है बेरिश हो रही है बेरिश हो रही है, ये मंथली कैंडल उसको सपोर्ट कर रही है। देखें सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये इन्वर्टेड हैमर बना रही है। और इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी। तो आप इसको देख लें कि ये मार्केट की जो प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताई थी इस लेवल से, ये 10 यहाँ तक तो मार्केट आराम से आएगी, ये वाला लेवल। और ये 1910 में क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे मंथ में आपको नजर आएगा कि ये वाली जो लाइन है ना, ये एक अच्छी सपोर्ट और अच्छी रेजिस्टेंस रही है। ये पहले रेजिस्टेंस रही है और अब ये अच्छी सपोर्ट बनेगी, ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे इसने जो है मार्केट में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ सपोर्ट और का काम किया था, ठीक है। ऊपर जाते हुए फिर इससे थोड़ा सा ऊपर थी, लेकिन ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस का रहा है। तो 1910 तक जो है ना मार्केट आराम से आ सकती है, इसमें कोई ऐसा वो मसला नहीं है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या ट्रेड स्विंग करने की कर रहे हैं को करना चाहते हैं, तो यू हैव टू लुक फॉर ट्रेड्स जो क्या कहते हैं इसको, बेरिश ट्रेड्स हों, ठीक है। सॉरी, शॉर्ट की ट्रेड ढूंढें, उसमें शॉर्ट करें इसे, इसको लॉन्ग में रहने की या लॉन्ग की उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तसल्ली नहीं हुई, इतने सारे प्रूफ्स आपको देने के बाद भी अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो ग्राफ किधर गया मेरा? अच्छा, अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि मेरी भाई, आप इसे बायस कह लें या जो भी कह लें, मुझे जो एविडेंस नज़र आ रहे हैं, मुझे गोल्ड सेल में ही नज़र आ रहा है। ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये 1950 की है, तो इसको आके ये टेस्ट करेगा और फिर उसके बाद ये फर्दर नीचे गिरेगा, ठीक है। और ये हमारा लेवल खड़ा है ये यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, ये वाला लेवल है हमारा, यहाँ तक मार्केट ने आना है, ठीक है। तो मेरी प्रोजेक्शंस तो ये कह रही हैं, बाकी आप इसको जो है ना, ये वाला जो लेवल था 2020 का SL दे के आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 40 40 डॉलर ऊपर हैं और 70 डॉलर नीचे हैं, तो अगर आप यहाँ से इसे शॉर्ट करें 1980 से, तो आपका SL बनेगा 2020 और आपका जो TP बनेगा वो 1910 बनेगा, ये स्विंग ट्रेड होगी, ठीक है। बाकी अगर आपने डे ट्रेडिंग देखनी है तो उसको आप लोग अपने हिसाब से देख लें। और अच्छा, वीडियो भी एक तो लंबी हो रही है, पता नहीं चलता बातों में टाइम का। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ ये नहीं बनेगा, वही वही वाली स्ट्रांग है।
मैं इसको नहीं छेड़ रहा। अच्छा, ये सिनेरियो है, और इस सारे उसके बाद मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई मेरी बायस जो है वो बाय में ही है, और या बायस कह लें या जो भी कहने के, मुझे मार्केट बाय की ही नज़र आ रही है और मैं बाय ही रहूँ। ओ सब, मैं बाय क्यों कह रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, मुझे सेल नज़र आ रही है मार्केट और मैं सेल में ही रहूँगा, ये मेरी प्रोजेक्शन है, और मार्केट को इधर आना चाहिए, ठीक है, और हो सकता है इस वीक ना आए, नेक्स्ट वीक में आ जाए, क्योंकि इसने जो मंथली कैंडल बनाई हुई है वो क्रिटिकल है काफ़ी, ठीक है, तो मार्केट कैन प्ले अराउंड हियर, लेकिन अगर ये 1920 क्रॉस नहीं करती तो मार्केट सेल ही रहेगी, ठीक है। ऊपर का हमारा लेवल जो है ये तो है, रेजिस्टेंस है, बट यू हैव टू सी इट कि अब ये यहाँ पे आ गया हुआ है, ये लेवल है, ठीक है, ये इसे क्रॉस करेगी तो ऊपर जाएगी, अदरवाइज ये सेल में रहेगी, ठीक है। चलें, इस वीक का जो है एनालिसिस मैंने आपको परफॉर्म करके बता दिया है, और 4 आवर में हमारा RSI जो है वो भी जो है अभी नीचे है, तो ये मार्केट को थोड़ा सा आज या कल में ऊपर लेके जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट करेगा 2000 के लेवल को, मे बी इट कैन टेस्ट 2010 का लेवल 1-2 दिन में, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो बाकी डेली बेसिस पे हम इसको देखते रहेंगे, और मेरे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो अपने एनालिसिस वगैरह ग्रुप्स वगैरह में भी मैं शेयर कर देता हूँ। और एक और चीज़ जो मैंने हाँ कहा ना था कि हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे ट्रेंड रिवर्सल के या हमारे एनालिसिस को इफेक्ट कर सकती है, वो है न्यूज़। आज USD की न्यूज़ कोई नहीं है, कल 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 एक ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है USD की 7 बजे, और इसके अलावा थर्सडे का न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, और फिर फ्राइडे को भी USD की न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ जो है ये इसमें कैटलिस्ट साबित हो सकती हैं कि अगर मार्केट नीचे आ रही है तो ये एकदम से इसे ऊपर उठा दें या इसको अपोजिट मूव करवा दें, अदरवाइज जो है मार्केट वो इसी सिनेरियो में रहेगी कि इसने अब आने वाले वीक में, इस वीक के एंड तक या आने वाले वीक में बेरिश ही होना है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये 2020 को एक दफ़ा टेस्ट कर सकती है नीचे जाने से पहले, क्योंकि आजकल गोल्ड जो है ना काफ़ी वो उसकी जो मूवमेंट्स हैं काफ़ी वियर्ड, कभी कभी एक्ट करता है, एकदम से स्विंग हो जाता है या एकदम से जो है वो चेंज हो जाता, पैटर्न चेंज कर लेता है, डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेता है, बट ओवरऑल गोल्ड जो है अभी शॉर्ट जाएगा आने वाला 1-2 हफ्ते या 1 महीना, इसने 1910 को टच करना ही करना है, ठीक है। मतलब ऑल दो इस एनालिसिस में फाइनल कुछ भी नहीं होता, एस्टिमेशन ही होती है, बट स्टिल आई एम डैम श्योर इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट। ओके, तो अच्छा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, आप जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो एटलीस्ट अपने जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, उसको कमेंट सेक्शन में डाला करें और वीडियो को लाइक किया करें। एज यू नो कि मैं अपना चैनल अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड राइट डाउन योर सजेशंस, योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। चलें ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।